आवामी नेशनल पार्टी ने निगरान वजीर सनत अदनान जलील को हटाने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शाहबुद्दीन से। जी साहब, ये क्या मामला है, क्यों हटाया जा रहा है? जी, ये अदनान जलील नहायत ही ईमानदार निगरान सूबाई वजीर है और सनतकार भी है। तो वो सनतों को जिस तरीके से चला रहे थे, तो उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे करप्ट अनासर जो करप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, और खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा जोन इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उनके CEO है, वो ऐसे करप्शन में मुलविस है जिनको रोकने की उन्होंने कोशिश की। तो इस पे उनको हटाया जा रहा है और आवामी नेशनल पार्टी ने उसके जगह अशरफ दावड़ का नाम भी सूबाई हुकूमत को निगरान सूबाई वजीर लगाने के लिए दिया है। तो अदनान जलील का कहना है कि वो ऐसे बाप का बेटा है कि उनका बाप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और सेनेटर भी, और उन्होंने पूरी जिंदगी में पूरी सियासत में एक पैसे की करप्शन नहीं की। मैं उनका बेटा हूं तो किसी किस्म के करप्शन नहीं करता हूं और न करने देता हूं, और इसके पादाश भी मुझे हटाया जा रहा है। जी ठीक है शाहबुद्दीन, शुक्रिया आपका।